हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। जो चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ, एक्सरसाइज 3.2, 3.1 मैंने करा दिया है, तो 3.1 को आप अच्छे से देखेंगे। और लास्ट तक, जिस तरह से मैंने उसकी वीडियो को आपको एडवाइस किया था कि लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा। कोई रूल नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बिल्कुल आपने स्टार्ट किया और सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए तो कितना ईजी लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी सेम मेथड से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई रूल नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि मुझे जैसे पहले वाला आपको चाहिए a प्लस बी का मैट्रिक्स चाहिए। ये a है और ये b है, ठीक है। तो a और b को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो ये क्या है, a11 इसका भी a11, तो a11 और a11 को ऐड करना है। तो ये कितना है, 2, और ये कितना है, 1। मैंने इसमें जो साइन नाइट वाला साइन होता है, नीक वाला, उसको मैंने लगा रखा है। तो ये 2 और प्लस 1, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 कर दिया डायरेक्ट। उसी तरह से दूसरे वाले में मैंने रेक्टेंगुलर साइन दिया है। ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a12, तो a12, तो इसका a12 और इसके a12 दोनों की जो वैल्यू है उस दोनों को ऐड कर देंगे। कितना है, 4 और 3, तो 4 प्लस 3। उसके बाद ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a21, तो a21 को मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन जीरो स्ट्राइप से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो गया यहाँ पे 3। और इसका a21 कितना है, a21 है -2, तो 3 -2। इसमें कितना है, ये a22 है, इसका a22 कितना है, 5 है, तो 2 प्लस 5। और इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट मिल रहा है इसका, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 -2 1, 2 प्लस 5 7। तो ये मैट्रिक्स हो गया a प्लस बी का। दूसरा मैट्रिक्स देखेंगे हम उसी तरह से a-b का। तो देखते हैं a-b में आप कैसे निकालोगे, ये देखते हैं। तो यहां पे इसी तरह से ये मेथड अप्लाई करना है। तो इसका देखो a-b मतलब 2 -2 -1, ठीक है। इसमें 4 -3, तो 4 -3। अब कोई रूल तो लगाया नहीं मैंने यहां पे, बिल्कुल आपको उसी वे में लेके चल रहा हूं। ये कितना हो गया, 3 -2 है, तो बीच में माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 3 -2, और ये 2 और ये 5 है, तो 2 -5, ठीक है। तो जो प्लस में आपने किया था यहाँ पे उसी तरह का सेम काम आप माइनस के लिए करोगे। तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है वो देखेंगे, 2 -1 1, 4 -1, 4 -3 1, 3 -+ हो जाएगा, तो 3 + 2 5, और 2 -5 -3, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद थर्ड वाले नंबर में क्या है, 3a-c। तो थर्ड वाला जो नंबर है वो आपको बता रहा है कि आपको चाहिए मैट्रिक्स 3a-c का। तो 3 के साथ a चाहिए, तो 3 ले लिया, a का मल्टीप्लाई करोगे, a कितना है भाई, तो 2, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ 4, यहाँ पे 2 लिखा, और -c कितना है उसको लिख दोगे यहाँ पे, -2 5 3 4। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में 3 से में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो देखेंगे 3 × 2, और रो के दोनों के पार्ट में 3 × 4, उसी तरह से 3 × 3 और 3 × 2, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, और इस तरफ जो आपको लेना है -2 5 3 4, ये भी मैंने ले लिया। तो ये अब आपके पास आ गया 6 6, और आपको क्या करना है, इसमें माइनस करना है। तो एक स्टेप थोड़ा नीचे आते हैं, और ये आपके पास हो जाएगा 6 और -2, अब ये रह गया आपके पास, ठीक है। और ये हो गया 3 × 4 = 12 - 5, ठीक है। ये 3 × 3 = 9 - 3, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 - 4। इस तरह से जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है आपके पास, 6 + 2 = 8, 12
माइनस फाइव सेवन, नाइन माइनस थ्री सिक्स एंड सिक्स माइनस फोर टू, एट सेवन सिक्स टू, ये इसका जो सी वाले पार्ट है उसका रिजल्ट आ रहा है। तो अब हमारे पास दो पार्ट और हैं, ए बी और बी ए, इसका भी प्रोडक्ट देखते हैं। इसको मैं पहले क्लीन कर देता हूँ, आप अच्छे से नोट करना है इसको और पॉज करके वीडियो को, अगर आपको बीच में प्रॉब्लम लगे तो पॉज करके आप इसको रोक के देख भी सकते हो। तो वो चीज आप ऑटोमेटिकली, आप इस सब मामले में आप एक्सपर्ट हो तो कर सकते हो। तो अगले पार्ट को मैं कराता हूँ। तो पहले निकालता हूँ मैं इस फोर्थ पार्ट का, मुझे ए बी चाहिए, ए बी, ठीक है। ए बी आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा कि भाई क्या क्या लेना पड़ेगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, सी आई जे, मतलब रो और कॉलम के लिए, और साथ में यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स बननी है वो 2:2 की ही बननी है, ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो अब एक एक करके यहाँ पे इसके पार्ट्स को देखेंगे, क्योंकि मुझे सबसे पहले सी वन वन, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे सी वन वन चाहिए, उसी तरह से सी वन टू, सी टू वन और सी टू टू। तो मेरे करने के बाद ही पूरा पता लगेगा कि क्लियर कि क्या हमें चाहिए। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन से दिखाई है। तो आप देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सी वन वन, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ए बी के लिए। तो इसका जो हमें दिखाना पड़ेगा इक्वल टू फर्स्ट रो ऑफ ए, ए का ये वाला फर्स्ट रो है, देखेंगे। तो फर्स्ट रो ऑफ ए, ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से। फर्स्ट रो ऑफ ए मतलब अगर हमने इस तरह से लिया है तो फर्स्ट रो ऑफ ए और फर्स्ट कॉलम ऑफ बी, ये चाहिए हमें। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट कॉलम ऑफ बी, इस तरह से ऐसे मूव करना है आपको। यहां पे फर्स्ट रो ऑफ ए 2-4 है, तो मैं यहां लिख देता हूं, देख थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूं ताकि एक बार आपको समझ में आ जाए, तो फिर अगली बार तो आप खुद से ही इसको कर दोगे। कॉलम है तो थोड़ा लंबा करके दिखाना होगा वर्टिकली। तो ये कॉलम जो है इसका फर्स्ट कॉलम 1-2 का है, ठीक है, ये इसके लिए हो गया और ये इसके लिए हो गया, क्लियर है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है आप कैसे इसको करोगे, देखो इसका 2 इसका 1, पहला रो का पहला वाला, कॉलम का पहला वाला, तो इसको आप मल्टीप्लाई जो करोगे, लिखोगे यहाँ पे 2:1। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो मैट्रिक्स निकालेंगे उसके लिए एक तरीका यही है, इसको 2 और इस 1, इसका पहले रो का पहला वाला, कॉलम का भी पहला वाला, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 2:1 लिख दिया, प्लस 4:2 दूसरा रो का दूसरा वाला नंबर जो डिजिट है और कॉलम का दूसरा वाला, तो 4:2, तो ये आगे आपके पास 2-8 विच इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो ये -6 आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। उसी तरह से हमें निकालना होगा, मान लो मैं निकालना चाहता हूं C12, ये 1-1 हो गया, अब मैं C12 निकालना चाहता हूं, देख सकते हो आप। तो 1-2 के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो ऑफ ए फर्स्ट रो ऑफ ए, और इस बार हमें सेकेंड कॉलम चाहिए बी का, इनटू सेकेंड कॉलम ऑफ बी, बी का सेकेंड कॉलम है ना। तो फर्स्ट रो क्या है, यही है 2 और 4 का है, तो 2-4 ले लिया,
कॉलम क्या है, बी का 3 5, यहाँ पे 3 और ये 5 ले लिया, ठीक है। अब इसको वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने किया तो 2 × 3 करेंगे, 2 × 3 प्लस बीच में देना है 4 × 5, 4 × 5, तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 6 + 20, तो 26। आपने भी करके देखोगे आपको भी सेम रिजल्ट यही आना है, कोई दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं अब यहां पे साइड में लिख देता हूं कि मेरे पास क्या आया, C11 जो आया हमारे पास, C11 देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, C11 आया -6, C12 आया, C12 आया हमारे पास 26, क्योंकि इसके बाद मुझे C21 भी तो निकालना है और C22 भी निकालना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बाकी चीजों को क्लीन कर देता हूँ। नोट करते चले जाना, ध्यान रखना कि सारी चीजें आपके पास आपको समझ में आ रही हो प्रॉपर, तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब मैं बात करूंगा C21 की। तो रो दूसरा है, दूसरा रो में क्या है आपके पास 3 2, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना यहां पे कि ये दूसरा रो के लिए 3 और 2 है, और कॉलम पहला है, तो कॉलम पहला कौन सा है मेरे पास, 1 और -2 का है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके हो कि कैसे हमने स्टेप्स लिया था, तो अब इसलिए मैंने वहां पे वो ना लिख के यहां पे सेकेंड रो नहीं लिखा, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखा, डायरेक्ट कर दिया। तो 3 × 1 यहां पे कैसे करेंगे, 3 × 1 प्लस 2 × -2, तो ये हो जाएगा 3 − 4 मतलब -1। तो इस हिसाब से आपको लिख रहा है यहां पे कि C21 जो आ रहा है आपके पास, C21 इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1 की, क्या आ रही है -1 की। तो अब हमें देखना है कि C22 निकाल लेते हैं, है ना, C22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो हमारे पास है 3 2 का, और दूसरा जो कॉलम है हमारे पास वो कॉलम है दूसरा हमारे पास 3 और 5 का। तो अब फिर से मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 और 2 × 5 बीच में प्लस 2 × 5, तो कितना हो गया 9 + 5 है ना 14 आ गया, तो मतलब C22 हमारे पास आ गया 14, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारे पास अब आ चुका है, इसकी वैल्यू हम लगा सकते हैं, और यहां पे जो हमें लिखना है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो इक्वल टू, मैं सीधा यहां पे मैट्रिक्स लिख रहा हूं, -6 C11 जो आया है हमारे पास, C12 आया है -26, तो यहां पे आपका 26, C21 आया है -1, ये -1 है, और C22 है 14, इस तरह से ये मैट्रिक्स आपका रेडी हो गया, और यही मेथड है इसको सॉल्व करने का, बिल्कुल सिंपल मेथड। अब इसको मैं क्लीन कर देता हूं, और आपके लिए BA इसी मेथड से, कुछ नहीं चेंज करना है, इसी मेथड से BA, लेकिन BA की वैल्यू थोड़ी अलग तो आएगी या नहीं आएगी चेक कर लेते हैं, क्योंकि AB और BA देख के लगता है कि प्रोडक्ट सेम आ रहा है लेकिन है या नहीं वो भी देखेंगे। तो आगे करते हैं बी और ए के लिए, ठीक है। तो यहां पे इसको बी ए लिख देता हूं मैं, बी ए, और इसको मैं एंड करता हूं, अब ये मैंने क्लीन कर दिया।
एक एक चीज को ध्यान से देख के करना होगा, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक बस ना हो आपका। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो फिर प्रॉब्लम तो कहीं वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों होगा, इतना छोटे छोटे तो अभी सवाल है, बाद में थोड़ा टफ सवाल इसमें जरूर आएंगे, लेकिन अभी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो रहा है हमारे लिए। तो बी ए में हमारे लिए क्या क्या है, तो बात वही हो जाएगी कि हमें ऐसे ही ड्रॉ करना है भाई कि क्या क्या C11, C21, C12 और C22, यही हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें निकालना है ना। तो अब मैं इसको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप कर सकते हो चाहो तो ऐसा ही 1 into 2 प्लस 3 into 3 और 1 into 4 प्लस 3 into 2। अब आप देखते जाओ और आप चाहो तो ऐसा ही सेम डायरेक्ट करके अटेम्प्ट करके आप इसको सॉल्व करने में आसानी होगी आपको, अगर एक बार में आप करना चाहो, और वो आप एक बार दो बार करने के बाद आप ऐसे ही वे में करने लग जाओगे क्योंकि आप एक्सपर्ट हो सकते हो आसानी से। इसमें समय भी थोड़ा कंज्यूम होना कम कंज्यूम होगा। माइनस 2 into 2 प्लस 5 into 3, देन यहाँ पे फिर से माइनस 2 into 4 प्लस ये आ जाएगा 5 into 2 और ओवरऑल जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है यहाँ पे इसको सॉल्व करके 2 और 9 11, ये 11 आ गया, 4 6 10 माइनस 4 15 मतलब 11 और ये आ जाएगा 2। तो ये रेडी है आपके पास बी इंटू ए का मैट्रिक्स, और देख के भी हम कह सकते हैं कि ए और बी का, ए बी का जो मैट्रिक्स आया था वो बी ए से डिफरेंट था। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ आपको इसके लिए जो मैट्रिक्स दी हुई है उसको कहा जा रहा है कि इसको ऐड कर लो। देख सकते हो आप जो मैट्रिक्स है उसको सिंपली ऐड करना है, तो ऐड करना तो हम सीख ही चुके हैं है ना। तो कैसे, यहाँ पे सिंपल वे में आपको एक बच्चे की तरह आप इसको आराम से ऐड कर सकते हो, वो देख लो आप। जैसे ए है, ए है तो ए प्लस ए लिखोगे, बी है, बी है बी प्लस बी लिख लोगे, माइनस बी है प्लस बी और ए प्लस ए, बस ये हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा आपका 2a, b प्लस बी, जी हाँ 2b, ये 0 और 2a। देखेंगे कि आपका मैट्रिक्स ये कंप्लीट हो रहा है या नहीं। तो मेरे ख्याल से ये आपने बहुत ही आसानी से आपने इसको कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये जो है यहां पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और साथ में साथ यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस किसके साथ करना है वो देख लो, ये 2ab 2bc और इसमें माइनस 2ac और इसके साथ 2ab माइनस 2ab इसके साथ इसको प्लस करना है। ठीक है, क्वेश्चन रेडी है। तो पहले आप उठाओ और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा पहले वाले में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ ही रहा है, दूसरे वाले में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc आ गया। तीसरे में आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो ना यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ac और यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इस तरह से आप अगर इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना,
ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। रेडी है आपका मैट्रिक्स और ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर टू भी। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, और भी क्वेश्चन हैं इसके, उसको स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर यहाँ पे इतना इजी है कि मैंने आपके लिए पहले से ही करके रखा है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस दी हुई है, इसको ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। तो मैंने आपको दिखाया माइनस वन प्लस ट्वेल्व, देखिए माइनस वन प्लस ट्वेल्व कितना हो गया, इलेवन, ठीक है। उसके बाद फोर प्लस सेवन, इलेवन, माइनस सिक्स प्लस सिक्स, जीरो। अब इस पे आते हैं दूसरे वाले पे, एट, इसका एट, एट प्लस एट सिक्सटीन, फाइव प्लस जीरो फाइव, सिक्सटीन प्लस फाइव ट्वेंटी वन, टू प्लस थ्री फाइव, एट प्लस टू टेन, फाइव प्लस फोर नाइन। इस तरह से ये अपने आप में ये सॉल्व हो गया पूरा। वही दूसरी तरफ जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उस फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास दो मैट्रिक्सेस इस तरह से दी हुई हैं, और मैंने जब इसको ऐड करने की कोशिश की, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसके लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसके लिए फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसके लिए फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसके लिए। हर आदमी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आता है जिसकी वैल्यू वन होती है, तो इसकी भी वैल्यू वन, इसकी भी वन, इसकी भी वन, इसकी भी वन, तो ये मैट्रिसेस वन 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 का रेडी हो गया। तो ये सेकेंड वाला जो है कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही ईजी था, इसलिए मैंने इसमें आपके लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया। इस जगह पे हमें कंप्यूट करना है इंडिकेट, जो भी प्रोडक्ट इंडिकेट किया गया है उसे हमें कंप्यूट करके उसकी वैल्यू को बतानी है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैट्रिसेस दी हुई हैं इसका हमें प्रोडक्ट दिखाना है यहाँ पे। तो बहुत ही आसान है, और जैसे हम लोग लेते थे कि पहला रो पहला कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इस तरह से हमें मूव करना होगा और उसी तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट ही कर देता हूँ, और आप देखोगे कि उस स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा कि क्या क्या रो है, क्या कॉलम है, तो उस हिसाब से आप देखना। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो ए ए इसका प्रोडक्ट होगा, मतलब ए इंटू ए, बीच में प्लस, और बी इंटू बी, बी इंटू बी, ठीक है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हो गया। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की बात करेंगे, जी हाँ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की। तो ए इंटू माइनस बी, तो माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है, और बी इंटू ए, तो प्लस में बी इंटू ए, बी ए या ए बी भी इसको आप लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस ए बी और बी इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से दूसरे में आ जाएंगे। अब हमारे पास दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो माइनस बी इंटू ए, मैं यहां लिख रहा हूं माइनस बी इंटू ए प्लस, और ये जो है ए इंटू बी, ए इंटू बी, ठीक है, माइनस बी इंटू ए और ए इंटू बी, मतलब पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो माइनस बी इंटू बी, मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहां पे ए इंटू ए, ए स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस दे दोगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रोसेस वही है, पीछे वाले जो प्रोसेस है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ आपको मैं डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए सिर्फ मैं बताना चाहूंगा, उसी के लिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, और इसलिए मैं यहां पे इसको अप्लाई कर रहा हूं। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट हो गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और बी ए, तो जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैट्रिक्स बच रहा है हमारे पास। अगर सही देखा जाए तो ये सिर्फ ये मैट्रिक्स हमारे पास बच रहा है। बहुत ही आसान था ये। उसी तरह से दूसरे वाले में करेंगे हम लोग, दूसरे वाले का भी प्रोसेस हम लोग देखेंगे और इसको भी देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, जैसे उसमें बताया था, यहां पे भी हम कुछ वैसे ही डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो
अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ ऐसा है तो थोड़ा सा बैक जाके हमारे प्रीवियस वीडियो को पहले चेक करें, उसके बाद आप इधर आएं। और हालांकि यार मुझे नहीं लगता ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी लगे पॉज करके आप देख लेना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो 1 into 2 इसको इससे करोगे तो 1 into 2, ठीक है। फिर 1 into 3 तो 1 into 3, फिर 1 into 4 तो ये 1 into 4, देखिए हो गया। उसी तरह से 2 से भी हर एक का करना होगा, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, गलत तो नहीं है। फिर 3 से भी आपको करना पड़ेगा, तो 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, कर दिया, सबसे कर दिया। अब क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, और को तो कुछ है नहीं इसमें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2, 3, 4, 4, 6, 8, 4, 6, 8, और फिर 6, 9, 6, 9, 12, और ये इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रोडक्ट का है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, याद भी होगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, फिर उसी तरह से दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यही मेथड है और इसी मेथड को अप्लाई करते हैं। तो आइए करते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 1 into 2, 1 into 1, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो बीच में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ प्लस, और ये हो जाएगा -2 into 2, -2 into 2, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 1 into 2 plus -2 into 2, ये भी ऐसा ही। उसके बाद पहला रो तीसरा कॉलम देखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला रो और तीसरे कॉलम के हिसाब से यहाँ पे 1 into 3 plus -2 into -2 into 3, ये हो गया, ठीक है। चेक कर लेना खुद से आप। उसके बाद दूसरे में दूसरा रो पहला कॉलम 2 into 1, 2 into, थोड़ा नीचे लिख देता हूं साफ दिखे, 2 into 1 और प्लस 3 into 2, 3 into 2, ठीक है। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम तो 2 into 2, 2 into 2 plus 3 into 3, 3 into 3, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 into 3, 2 into 3 plus 3 into 1, 3 into 1, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार फिर से चेक कर लूं, 1 into 1, 1 into 2, 1 into 1, -2 into 2, ठीक है, फिर 1 into 2, 1 into 2, -2 into 3, ये -2 into 3 है यहाँ पे -2 into 3, फिर 1 into 3 plus -2 into, जी हाँ, -2 into 1, तो ये -2 into 1, ये मिस्टेक ना हो, यही मिस्टेक, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वो जो मिस्टेक होती है उसको मैंने करके भी दिखाया
कि आपको देखो ऐसी मिस्टेक्स होती हैं और मैंने आपको दिखाया कि ये कैसी गलतियां हो जाती हैं। फिर दूसरा रो पहला कॉलम 2 × 1 ठीक है, 3 × 2 3 × 2 2 × 2 2 × 2 फिर 3 × 3 3 × 3 ये बाकी अब ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही ना। उसके बाद अब बात रह जाती है कि इसको ऐड करने की, तो ये आप जब करोगे तो ये आएगा -3, ये आ जाएगा 6 माइनस, ये हो जाएगा -4, ये हो गया -1, ये सिर्फ 1 होगा आप करके देखोगे क्योंकि -2 है और ये 3 है, 3 − 2 = 1 हो जाएगा और 2 और 6 = 8, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 4 9 13 और यहाँ 6 + 3 = 9, तो ये कंप्लीट हो जाता है इस तरह से थर्ड वाला और बहुत सिंपल था ये भी। अब मैं फोर्थ वाला भी करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन को कि फोर्थ वाले को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे इसमें दिख रहा है आपको कि जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 3:3 का ये बॉक्स है, ये भी 3:3 का है और इसमें भी वही करना है आपको, रो कॉलम फिर रो दूसरा कॉलम फिर रो तीसरा कॉलम, इस तरह से मुझे लेते जाना है। और जैसे कि इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में थर्ड वाले में मैंने गलती की थी, इसमें वो गलती होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है उसकी कैलकुलेशन की ऑर्डर बढ़ जाती है, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो मिस्टेक्स हैं उसको उससे थोड़ा सा आपको अपने आप को बचा के रखना है। तो अब देखते हैं कि कैसे इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो आइए पहला रो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आऊंगा ठीक है, पहला रो 2, इसका 2 × 1 लिख सकते हैं, 2 × 1 पहला रो पहला कॉलम लेना है आपको, उसके बाद 3 × 0 + 3 × 0 फिर प्लस 4 × 3 4 × 3 उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम लेना है। तो अब दूसरे कॉलम पे आते हैं, ये थोड़ा बड़ा होगा मैंने पहले ही बताया आपको, तो 2 × −3 2 × −3 फिर 3 × 2 बीच में प्लस दे देंगे, 3 × 2 + 4 × 0 4 × 0 ये दूसरा पहला रो दूसरा कॉलम भी हो गया। अब पहला रो तीसरे कॉलम को देखेंगे, 2 × 5 2 × 5 + 3 × 4 + 3 × 4 + 4 × 5 4 × 5 तो ये हमारा काम, इसका काम हमारा हो गया और इसका भी काम हमारा हो गया। अब दूसरे रो पहले कॉलम को लेंगे, तो 3 × 1 यहाँ लिखेंगे, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं, 3 × 1 + 4 × 0 + 5 × 3 ठीक है। और उसी तरह से फिर इसका और दूसरा कॉलम, तो 3 × −3 3 × −3 4 × 2 + 4 × 2 + 5 × 0 5 × 0 पूरा ध्यान लगाना है क्योंकि यही मिस्टेक होता है कैलकुलेशन का और कोई इसमें गलतियां हो ही नहीं सकती, बाकी एग्जैक्ट आंसर भी आता है। और सबसे मेजर बात यह है कि कैलकुलेशन भी इतना टफ नहीं है। थर्ड वाले में 3 × 5 3 × 5 + 4 × 4 4 × 4 + 5 × 5 5 × 5 और एक और रह रहा है, 4 × 1 +
5 into 0 plus 6 into 3, फिर 4 into minus 3. दोबारा जब आप लिखोगे तो ऑलरेडी ये वाला चीज जो है रिपीटेड है, सब में देखोगे ये 0 एक साथ है, 3 एक साथ है, तो इसमें आपको एक हेल्प मिल जाता है. लेकिन उसके लिए बिल्कुल सामने लिखना बहुत जरूरी होगा. और अब जैसे 4 और इसमें आ गए थे 4 into minus 3, 5 into 2 plus 6 into 0 और then 4 into 5 plus 5 into 4 plus 6 into 5 और ये इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया. ठीक है, देख के तो थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन अब आपको फाइनल रिजल्ट लाना बहुत आसान होगा. तो यहां देखेंगे 2 और ये है 12. ठीक है, तो 12 प्लस 2 मतलब 14 रह गया. तो क्यों ना मैं यहां पे लिख दूं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहां पे लिख दूं तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा नीचे. तो पहले वाले का 14 आ गया. अब आप भी कैलकुलेट करके बता सकते हो कि सबका क्या क्या आ रहा है. 2 into 3 minus 6, 6. ये 6 और ये minus 6 ये तो कैंसिल होना है. ठीक है, और ये 4, 0. तो मतलब इसका दूसरा वाला जो है वो 0 आ रहा है. ठीक है, और तीसरा वाला जैसे ये है 10 plus 12 plus 20. ठीक है, 10 plus 12 plus 20. तो इस तरह से ये मुझे लग रहा है कि ये 42 रिजल्ट दे रहा है. आप चेक करो, 10 प्लस 12 मतलब 22 प्लस 20 एग्जैक्टली वो 42 ही है. और इस तरह से 3 इंटू 1 3 और 15 प्लस 3 18. तो ये 18 बता रहा है आपको. और ये थोड़ा आसान था, फट से हो गया. और उसी तरह से इसमें देख लेते हैं 9 8 प्लस में है, 9 माइनस में है तो माइनस 1 और ये तो 0 ही आ जाएगा. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनस 1 आना चाहिए. आप चेक कर लो कि माइनस 1 ही हो और कोई ना हो. और उसके बाद इसको ऐड करना है 15 प्लस 16 प्लस 25. 15 प्लस 16 प्लस 25 तो ये आता है आपका 56. आप ऐड करके चेक करो. उसके बाद 4 प्लस 18, 18 प्लस 4 22, तो ये 22 आएगा. और ये 12 और 10 माइनस 2 तो ये माइनस 2 आ जाएगा. और ये पूरा 20 प्लस 20 40 और 30 70. तो टोटल ये आपके पास 70 आ रहा है. तो इस तरह से ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है और ये आपका रिजल्ट दे देता है. देखने में बड़ा ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये. बोर्ड पे बोर्ड एक बेनिफिशियल है हमारे लिए क्योंकि ये मैंने सारा चीज एक साथ आपको एक साथ देखने को मिल गया यहाँ पे कि एक साथ क्या चीज कहाँ तक कैलकुलेशन हो रहा है. मैं लास्ट तक यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको. लास्ट तक अब आपको दिख रहा है तो ये सारी चीजों को इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसके बाद वाले को अटेम्प्ट करते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें फिर से वही काम करना है आपको. तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूं क्या क्या मल्टीप्लिकेशन में मुझे देखना है उसको देखना है आपको. यहाँ पे जैसे रो इसका कॉलम तो 2 into 1 यहाँ पे लिख दोगे 2 into 1 प्लस 1 into minus 1 है ना. फिर इसको इससे 2 into 0 प्लस 1 into 2 फिर 2 into 1 प्लस 1 into 1. आप देखते जाओगे और बताओगे भी कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ. ठीक है, 2 इंटू 1 इंटू माइनस इंटू 1 इंटू 1 राइट. उसके बाद फिर से अब सेकेंड वाले में लेते हैं 3 इंटू 1. ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस 1 फिर 3 into 0 प्लस
2 into 2, फिर 3 into 1 plus 2 into 1. अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के कर पा रहा हूँ आपके सामने भी. तो minus 1 into 1 plus 1 into minus 1, ठीक है, minus 1 into 0 plus 1 into 2 minus 1 into 1 plus 1 into 1. और ये पूरा कैलकुलेशन हो गया हमारा. अब मैं फाइनल रिजल्ट के लिए इसको ऐड या सिंप्लीफाई करना है. जैसे ये 2 है, 2 minus 1, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ठीक है. तो इसका रिजल्ट भी मैं इसी तरह से यहाँ पे लिख रहा हूँ. ये 1 हो गया, ये 0, ये 2 हो गया, इसका हो गया 2 plus 1, ये 3 हो गया. उसी तरह से 3 minus 2, ये 1 हो गया, और ये हो गया 4, और ये हो गया आपका 3 into 1, 3 plus 2, मतलब ये 5 हो गया. फिर minus 1 और minus 1, minus 2 हो गया, ये 2 आ जाएगा, इसका 2 आ गया, minus 1 into 1, minus 1, और ये 1, तो ये 0 आ गया. तो इस तरह का एक मैट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, 1, 2, 3, 1, 4, 5, माइनस 2, 2 और 0 का. तो ये इस बार आपने और थोड़ा सा फास्ट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है. अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है. क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, ये रो है, ये कॉलम लेना है हमें. तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है. अभी तक जितने भी किए हैं इस तरह से, अब आप यूज टू हो चुके हैं, बिल्कुल आसान होता जा रहा है. और मैट्रिसेस मार्क्स भी अब जब बड़े क्वेश्चंस को आप देखोगे तो 6 मार्क्स के अच्छे स्कोर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं. तो ये 3 into 2 माइनस 1 into 1, बीच में प्लस दोगे, माइनस 1 into 1, बीच में फिर से प्लस, 3 into 3. उसके बाद इसके साथ इसका 3 into minus 3 प्लस माइनस 1 into 0, माइनस 1 into 0, फिर 3 into 1 प्लस में 3 into 1. सबसे पहला है ये, ध्यान से देख में कोई गलती ना रह गई हो इसमें, होता है कभी कभी, जैसे कि मैंने बताया कि. नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 1 into 2 प्लस माइनस 1 into 1 सॉरी 0 into 1, अभी बोला ही था और ये गलती होने जा रही थी मेरे से, 0 into 1, और ये फिर प्लस 2 into 3, ठीक है. नेक्स्ट में माइनस 1 into माइनस 3 प्लस 0 into 0 प्लस 2 into 1. अब ऐड करने की बात है और सॉल्व करने का सिर्फ मामला है. तो देखेंगे 3 2 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5 हो गया, और 9 9 5 14. तो यहां पे मैं डायरेक्ट इसके बारे में लिख दूं, पहला वाला इसका जो आ रहा है हमें वो 14 आ रहा है. 3 3 9 माइनस 9 और प्लस 3, क्योंकि ये तो 0 है, माइनस 9 प्लस 3 तो कितना हो गया, माइनस 6, तो माइनस 6, ठीक है. उसके बाद माइनस 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, और माइनस 2 के बाद ये 6, ठीक है. तो 6 और यहाँ पे माइनस 2, मतलब 4, तो ये 4 हो गया. और इसमें देखेंगे माइनस 3 इंटू माइनस 1, मतलब 3, ये तो 0 ही है, और 3 प्लस 2 5. तो जो हमें मैट्रिक्स मिला वो इस तरह का मैट्रिक्स मिल रहा है, और डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है रिजल्ट. और आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में. तो ये फोर्थ क्वेश्चन है जिसको आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. ये मुझे ख्याल से अभी तक जो हमने अभी सॉल्व किया उसमें से भी ज़्यादा सिंपलेस्ट पार्ट है ये, जिसको बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. आपके सामने मैं दिखाऊंगा कैसे. तो देखिए, अगर a प्लस बी की बात कोई कर रहा है तो आपको दोनों को ऐड करना है सिर्फ. तो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, ए प्लस बी, देखो ये 1 प्लस 3 कितना होगा, 4,
2 minus 1, 1. Minus 3 plus 2, minus 1. ठीक है? 5 plus 4, 9. 0 plus 2, 2. 2 plus 5, 7. 1 plus 2, 3. Minus 1 plus 0, minus 1. 1 plus 3, 4. सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपके सामने बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है 4 1 माइनस 1, ठीक है, 9 2 7 और 3 माइनस 1 4, इससे आसान क्या हो सकता है। नेक्स्ट वाले में जहां तक बी माइनस सी का पार्ट है उसको देखते हैं, यहां पे ही लिख देता हूँ बी माइनस सी। B में कितना है ये 3, 3 माइनस 4 तो माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 4 माइनस 1, दूसरे में आ जाओ माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 0 लिख दिया, 4 माइनस 0 4 हो गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, 5 माइनस 2 तो 3 हो गया, 2 माइनस 1 ये 1 हो गया, 0 माइनस माइनस 2 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी आ गया, b माइनस सी आ गया और a प्लस बी आ गया। यहीं पे इसी जगह पे मैं काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैंने ये स्पेस छोड़ रखा है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, वेरीफाई क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी। तो इसमें अगर a को प्लस किया जाए, अब मैं a प्लस बी माइनस सी को पहले दिखाऊंगा, क्योंकि ये इसके लिए पहले बोल रहा है। तो a को पहले आपको लेना है, a में है आपके पास 1 2 माइनस 3, 5 0 2, 1 माइनस 1 1, और बी माइनस सी का जो रिजल्ट मेरे पास निकला है वो यहां पे मैं रख रहा हूं प्लस में, -1 2 0, 4 माइनस 1 3, 1 2 0 1 2 0, ठीक है, ये आया ऐसा। तो अब इसको ऐड करो, 1 और -1 को ऐड करोगे तो ये तो 0 देगा आपको, दे दिया, 2 प्लस 2 4, -3 प्लस 0 -3, 5 प्लस 4 9, 0 और प्लस -1 तो -1, 2 प्लस 3 5 और -1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 2 तो +1 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 0 तो 1, ये तो मैंने एक का निकाल दिया, ठीक है। और चेक भी कर लेंगे कि कोई इसमें मिस्टेक ना हो, वो चेक करना पड़ेगा आपको कि a प्लस बी माइनस सी, a प्लस a तो अलग से मैंने प्लस किया है, और ये सब कुछ सही होना चाहिए, देख लेंगे। यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी कितना आ रहा है, बी माइनस सी में ये -2 है, तो ये मैंने लिखने में गलती की है, ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, बाकी ठीक है, 0 0 -3, ठीक है, 4 हाँ, 9 -1 5, ठीक है, और 2 1
वन, अब ये ठीक है, अब ये कम्प्लीटली ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसमें करना है आपको, इसमें जो आपको मिलने वाला है, जो वैल्यू मिलने वाली है ए प्लस बी माइनस सी की, तो ए प्लस बी तो यही है, ए प्लस बी माइनस सी की, तो ए प्लस बी तो आपके पास यही है, फोर वन, फोर वन माइनस वन, नाइन टू सेवन, थ्री माइनस वन फोर, ठीक है। और माइनस सी जो है, सी ये रहा, फोर वन टू जीरो थ्री टू वन माइनस टू थ्री, ये रहा। अब फोर माइनस फोर करोगे इसका रिजल्ट तो जीरो ही आएगा, इसको कर दिया। उसके बाद वन माइनस वन करोगे जीरो आ जाएगा, माइनस वन माइनस टू करोगे माइनस थ्री आएगी वैल्यू, नाइन माइनस जीरो नाइन आएगा, टू माइनस थ्री किया जाए माइनस वन आएगा, सेवन माइनस टू फाइव, थ्री माइनस वन टू, माइनस वन माइनस टू, माइनस वन और माइनस माइनस टू अगर किया जाए क्योंकि बीच में माइनस लगेगा, तो ये आ जाएगा वन, और फोर माइनस थ्री वन। तो एक्चुअल में ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के इक्वल रिजल्ट दे रहा है हमारे पास। तो वेरीफाई भी कर लिया मैंने कि ए प्लस बी माइनस सी जो है वो इक्वल है ए प्लस जो ब्रैकेट में लिया है मैंने माइनस सी के इक्वल के। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अब। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है और इस फिफ्थ क्वेश्चन को अब देखना है कितना आसानी से आप कर सकते हो। तो 3a माइनस 5b फाइंड करना है आपको। तो 3a ये लो, मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूं। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 3a मुझे 3a माइनस 5b चाहिए, मैं यहां लिख रहा हूं 3a माइनस 5b, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 3a निकाल रहा हूं, ये 3a होगा। तो 3 अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहां पर बचेगा 2, यहां पर बचेगा 3, यहां पर बचेगा 5, यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा 2, यहां पर बचेगा 4, यहां पर बचेगा 7, यहां पर बचेगा 6, और यहां पर बचने वाला है आपका 2। ये निकल गया आपका 3a माइनस 5b, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5b ये रहा आपका 2, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 कैंसिल होगा, सिर्फ 2 बचेगा, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचेगा, और ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। अब देखो कितना आसान लग रहा है, कि लग रहा है जैसे बिल्कुल आपको आता हो, जैसे आराम से हो रहा है। ये 7 रहेगा, यहां 6 रहेगा, यहां 2, 7 6 और 2, अब दोनों में सेम नंबर है, यहां पे देखो 2 है, यहां भी 2 है, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों में माइनस की तो करना है, तो ये और ये 0, ये और ये 0, ये और ये 0, फिर 1 और 1 वाला भी 0, 2 और 2 वाला भी 0, 4 और 4 वाला भी 0, 7 7 0, 6 6 0, 2 2 0, मतलब ये बन जाएगा आपका, इसका जो मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, देख लिया। और ये इस तरह से ये सॉल्व हो गया आसानी से, सिर्फ एक स्टेप, ये मेजर स्टेप्स था इसको मैंने किया और आपके सामने इसका रिजल्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, बहुत ही हमेशा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को आज तक अभी तक सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल रहा है वो देखो, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इसके साथ भी होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू, तो थोड़ा सा पीछे करके लिखूं ताकि, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरफ वाले का मल्टीप्लीकेशन का काम मैंने कर दिया। अब दूसरे वाले का, जैसे ये साइन थीटा है तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इसके साथ होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों का प्रोडक्ट का काम तो मैंने कर दिया, अब बीच में ऐड करने का काम है। तो ये लो, इसको और इसको ऐड करना है, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर इसको और इसको ऐड करना होगा तो ये जीरो दे देगा, फिर इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा तो जीरो दे देगा, फिर इसको कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप लिख देते हो तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू वन आती है, तो आपके पास जो डिटरमिनेंट होगा वो होगा 1001 का। देखिए हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 का, ये सेकेंड पार्ट है और इसमें हमें क्या देखना है, इसमें भी मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, चाहे जो भी मेथड हो, जैसे इक्वेशन में हम लोग कभी कभी क्या करते थे, कुछ से मल्टीप्लाई, कुछ नंबर से न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे, अदरवाइज डिवाइड करते थे, जिससे कि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती थी। तो यहाँ पे भी कुछ हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन किस तरह की दी गई है, हमें क्या चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करके वैल्यू निकालनी है। जैसे देख के लग रहा है यहाँ 2x है या 3 का x है, तो ऑब्वियसली बात है अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो x के कैंसिलेशन होने के चांसेस बनते हैं। तो इस केस में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि एक जो पर्टिकुलर एक्स या वाई है वो कैंसिल आउट हो जाए और दूसरी वैल्यू जो है किसी भी एक की, चाहे एक्स की हो या वाई, वो ऑब्टेन की जा सके। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 और 2, जैसे कि अपने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी मैंने सेम यही काम किया था, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ कि मल्टीप्लाई 1/2 एंड 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 एंड 2/3, ठीक है। अगर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आएगा, देखो 4x प्लस 6y है ना, 4x प्लस 6y इक्वल टू, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर का, तो 2 या 4, ये 6, ये 8, ये 0। और अगर मैं 2 वाले को, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, ये हो जाएगा 9x प्लस 4y इक्वल टू, इसको 3 से करें तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6, और ये हो जाएगा -3 और 15, ऐसा आ गया, राइट। आप भी करके देख सकते हो, ऐसा ही आएगा। अब इसको मैं 3 मान लूं, इसको 4 मान लूं, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, यहां पे मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, 3 को अगर 4 से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5x, ठीक है। तो यहां पे ये भी, ये 6y होगा, यहां पे सब्ट्रैक्ट करने पे ये आएगी वैल्यू 5x की इक्वल टू, इस दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले मैं इसको लिख दूं क्योंकि ये आ जाएगा पहले आपका, देख लो 6 - 6 - 3 = 15 और फिर बीच में -4 - 6 - 8 - 0, इस तरह का आएगा। अब 6 में जब 4 माइनस होगा तो 6 - 4 कितना होगा, 2 आएगा, तो 2 लिख दिया, -6, ये -6 - 12, -3 - 8 - 11 एंड देन 15 - 0, दैट मीन्स 15 रह जाएगा,
ठीक है। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी आपके लिए, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/5, और सारी ये वैल्यू जो आपको लिखनी है यहां पे 2, -12, -11 और 15 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस एक एक तो रिजल्ट आपके पास ये आ जाता है, और यहां से एक तरह से x की वैल्यू मुझे मिल जाती है। और अगर डिवाइड करना चाहें इंडिविजुअली तो हमारे पास ऐसा भी कर सकते हैं, 2/5, -12/5, -11/5, 15/5 मतलब 3 x की वैल्यू आपकी आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब y की वैल्यू के लिए मैं लिखता हूं यहां पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, 1 में इसकी वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो आइए करके देखते हैं। तो 2x है यहां पे, तो 2 इंटू एक्स की यहां पे 2/5 और -12/5, -11/5 और ये 3 है ही, +3y इक्वल टू, इस तरफ जो वैल्यू है वो रख दो आप 2, 3, 4, 0 एज इट इज रख दिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई अगर कर लें और उस तरफ कर लें तो 3y इक्वल टू ये आ जाएगा, 3y इक्वल टू पहले ये लिख लेता हूं मैं 2, 3, 4, 0 देन ये उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और 4/5 एंड देन -24/5 देन -22/5 एंड देन 6 ये आ गया। अब आपको यहां से माइनस करके वैल्यू लिखनी है, ये 3y को अभी रहने देते हैं और उसके बाद माइनस करके आपको वैल्यू लिखनी है। तो इसको बाकी को मैं क्लीन कर देता हूं, उसके बाद आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। तो अब जो है यहां से देख, जैसे 3y x की वैल्यू तो हमने निकाली ली थी, तो 3y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 - 4/5, 2 - 4/5, 3 - 3 प्लस हो जाएगा वो 3 + 24/5 ठीक है, और 4 - ये भी प्लस हो गया 4, लेकिन माइनस ये माइनस प्लस 4 + 22/5 एंड देन 0 - 6 मतलब -6 ये आ गया। तो 3y इक्वल टू 5 × 10 - 4, 6/5 ये 6/5 दे रहा है, आप खुद से भी कैलकुलेट कर लेना, ये मुझे 6/5 दे रहा है, ये 15 + 24, 39/5 दे रहा है ये वैल्यू, और फिर जो है ये 42/5 देन -6 ये वैल्यू आ रही है। तो फाइनली y इक्वल टू आपके पास जो आएगा 1/3 यहां पर y इक्वल टू 1/3 ऑफ ऑल दिस पार्ट 6/5, 6/5 ठीक है, 39/5, 39/5, 42/5, 42/5, -6 ये आ रहा है, और फिर y इक्वल टू 1/3 से अगर आप डिवाइड करोगे हर एक को तो ये आ जाएगा आपके पास 2/5, 13/5 और ये 3 से
14 by 5 माइनस 2, तो y की भी ये वैल्यू आपको फाइनली मिल जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सेवंथ का सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो एट पार्ट को आप सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में मेरे पास मुझे x निकालना है, y गिवन है, 2x प्लस y गिवन है, तो बिल्कुल आसान है। यहां से स्टार्ट करें, कहीं से भी कर लो, क्या दिक्कत है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए 2x प्लस y, तो y को उधर लेके चले जाओ, तो ये कितना आ गया 1, जो है वो ही लिख रहा हूं मैं, कुछ नहीं एक्स्ट्रा, ये लिख दिया, और माइनस y लिख दिया। तो ये फिर से इसको लिखना पड़ रहा है मुझे, लिखने का बहुत बार तो मन नहीं होता लेकिन ये लिखना पड़ रहा है, मजबूरी है। और माइनस वाई, तो माइनस वाई की जगह पे 3, 2, 1, 4। अब जब माइनस किया जाए तो 2x माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 माइनस 4, तो माइनस 2, तो ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। और जब अब इसमें हमें क्या करना है, तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास x चाहिए आपको, तो x इक्वल टू लिख लो 1 बाय 2 कर लो, माइनस को चाहो तो आगे कर लो, अभी मैं रहने देता हूं, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2, और जब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो देख लो आपके पास जो रिजल्ट बच रहा है, देखो तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, क्लियर, x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, और यही आपका आंसर भी है, ये भी फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे x और y की वैल्यू चाहिए होती है, यहाँ पे x और y कैसे निकालेंगे x और y, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 2 लिखोगे, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू x 2x हो गया, है ना, और ये हो गया आपका एक तरफ का, प्लस यहाँ पे आप लिखोगे जो है y 0 1 2, एक इक्वेशन की तरह, नॉर्मल इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, और RHS में जो है वो रहेगा, जैसे 2 प्लस y यहाँ पे हो जाएगा आगे की तरफ सॉल्व करने के समय, प्लस ये 6 आ जाएगा, ये 1, ये 2x प्लस 2, तो LHS का आपने पूरा सॉल्व कर दिया, और RHS जो है वो लिख देना है आपको 5 1 6 8, लिख दिया मैंने। अब इक्वेट करना है, मतलब 2y प्लस 2 प्लस y इक्वल टू कितना दे रहा है, 2 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये 6, ये 2x प्लस 2, अब x भी चाहिए हमें, y तो निकल गया, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 8 है, तो 2x इक्वल टू 6 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 हो गया, तो x भी 3 है और y भी 3 है। तो अब सिंपल इक्वेशन की तरह आपको लग रहा होगा जिस तरह से सॉल्व होता जा रहा है। देखते क्वेश्चन नंबर 10 में हमें x की वैल्यू, y, z और t, मतलब चार वेरिएबल्स हैं और चारों की वैल्यू मुझे चाहिए होगी यहाँ पे। जैसे मैंने पहले बोला है कि ये एक पूरा प्रॉपर का प्रॉपर अब इक्वेशन की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x 2z 2y 2t प्लस, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 3 माइनस 3 0 6, और इस तरफ जो है वो तो रहेगा ही। अब ऐड करने की जरूरत है, तो 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y 2t प्लस 6, और RHS का जो है उसको आपको प्लेस कर देना है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 15, तो ये 9 15 12 और 18। अब इक्वेट करने की जरूरत है, इक्वेट करने की जरूरत मतलब इसको इससे इक्वेट कर लो, तो
2x plus 3 equal to कितना आ रहा है 2x plus 3 यहाँ से देखेंगे ये हमारा 2x plus 3 है equal to 9 equal to 9 तो यहाँ पे 2x equal to 6 तो x equal to 3 x की वैल्यू आ गई z के लिए इससे इक्वेट कर लो 2z minus 3 2z minus 3 2z minus 3 equal to 15 तो 2z equal to 15 plus 3 18 तो z equal to 18 by 2 equal to 9 तो z की भी वैल्यू आपको मिल गई z equal to 9 y की वैल्यू चाहिए इसे इक्वेट कर लो 2y equal to 12 then y equal to 6 ये तो तुरंत निकल गया अब चाहिए आपको 2t plus t की वैल्यू चाहिए तो 2t plus 6 equal to 18 2t plus 6 equal to 18 तो 2t equal to 12 then t equal to 6 सब की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रही है t 6 है z 9 है y 6 है और x 3 है तो आराम से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व करते हैं इसी तरह से और स्टेप वाइज मूव करेंगे जैसे कि ये हमारे पास है ये हो जाएगा 2x ये हो जाएगा 3x ठीक है ये हो जाएगा minus y ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा ये as it is 10 5 फिर अब इस दोनों को ऐड करना है तो 2x minus y 3x plus y मैट्रिक्स में डाल दिया ये 10 ये 5 मैट्रिक्स में अब देखो 2x यहां से हो जाएगा 2x minus y equal to 10 और एक इक्वेशन ये आ जाएगा दूसरा हो जाएगा 3x plus y equal to 5 ये दूसरा इक्वेशन हो गया ऐड कर दो आप तो y और y कैंसिल ये हो गया 5x equal to 15 then x equal to 3 x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो रिजल्ट मिल जाएगा चलो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 1 में ही रख लेते हैं 1 इक्वेशन जो है हमारे पास 2x minus y equal to 10 है तो 2x minus y equal to 10 then 2x की अगर 3 रखने जा रहे हो आप equal to 10 6 minus y equal to 10 then y equal to हो जाएगा 6 minus 10 जो कि minus 4 के equal आएगा तो ये y का result आ रहा है और इससे से ये भी solve हो गया क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें एक इक्वेशन की तरह सिर्फ वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना है तो यहां पे देखेंगे यहीं से स्टार्ट कर देता हूं मैं 3x 3y 3z और 3w ये है ही और इक्वल टू यहां पे x plus 4 6 plus x plus y z plus w plus 1 minus 1 और 2w plus 3 ये आ गया और इसके बाद इक्वेट कर लेना होगा जैसे हमेशा करते हैं जैसे 3x जो है उसको इक्वेट करेंगे हम लोग 3x equal to x plus 4 तो 2x equal to 4 then x equal to 2 एक रिजल्ट x के लिए दे दिया इसने उसके बाद इसको इससे इक्वेट कर लेते हैं तो 3y equal to 6 plus x plus y तो ये y जब इधर आएगा तो 3y minus y 2y equal to 6 और x की वैल्यू आपने निकाला है तो 2 तो 2y equal to 8 then y equal to 4 ये y की वैल्यू निकल गई z की वैल्यू की बात कर लेते हैं z और w की तो w वाला पहले लेना पड़ेगा आपको यहां पे तो 3w equal to 2w plus 3
तो 3W माइनस 2W, ये W हो गया, W इक्वल टू 3, इसका भी आ गया। और अब इस लास्ट वाले की बात कर लेते हैं, 3Z इक्वल टू Z प्लस W माइनस 1, तो 3Z, ये Z इधर आएगा माइनस Z, तो ये 2Z हो जाएगा प्लस इक्वल टू W की वैल्यू 3 है माइनस 1, तो 2Z इक्वल टू 2, देन Z इक्वल टू 1। और इस तरह से X2, Y4, Z1 और W3, ये रिजल्ट इसका आपको मिल जाएगा। देखते हैं, फिर से एक प्रोडक्ट का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, क्योंकि ये जो फंक्शन दिया हुआ है fx और fy का, तो दो फंक्शन है, दो अलग अलग, एक x के टर्म में एक y के टर्म में, और उसे हमें प्रोडक्ट करके देखना है कि वो fx प्लस y के इक्वल हमारे आता है या नहीं आता है। हमें ये दिखाना भी होगा कि वो बराबर आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप fx into fy इस तरह का एक फंक्शन लेना चाहते हो मैट्रिक्स के लिए, तो x वाला तो आपके पास गिवन है, तो इसको आप एज इट इज लिख दो, cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1। लेकिन जहां तक y का सवाल है, तो जहां जहां x है उसकी जगह पे आपको सिर्फ y प्लेस करना है। जैसे cos x है तो हमें लिखना है cos y, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, यहां पे आप देख लो, इसको मैं लिख रहा हूं cos y माइनस sin y 0, sin y cos x cos y 0, 0, 0, 1, इस तरह से लिखा जाना है। अब जैसे कि मैंने बताया कि पहले ही शुरुआत में कि हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे, इसका रो इसका कॉलम, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, फिर माइनस में माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई माइनस, बीच में प्लस आता है लेकिन अब ये इसके साथ है तो ये हो जाएगा माइनस में माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, और तीसरे वाले में ये जीरो का जीरो, जीरो। उसी तरह से नेक्स्ट वाले में देखेंगे, ठीक है, इसका इसके साथ भी लेना होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस जीरो, लेकिन ये और लास्ट वाला तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। मुझे लग रहा था कि कुछ और बढ़ेगा तो उधर स्पेस नहीं बच रहा था, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस तरफ करके मैं दिखा देता हूँ, ये जीरो हो गया, और हल्का से अब ये क्लियर दिख रहा होगा पूरा, हाँ। तो उसी तरह से यहां पे भी हमें करना होगा, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस जीरो, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई देख लेंगे प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस जीरो, और लास्ट वाले में तो जीरो है ही,
और थर्ड वाला जो बनेगा आपका वो जीरो, इधर के लिए जीरो, इसके लिए भी जीरो बनेगा और इसके लिए सिर्फ वन होगा। तो इस तरह का एक फॉर्मेट आपके लिए रेडी हो रहा है। ओवरऑल इसको जो आप लिखोगे जस्ट लाइक साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए साइन माइन साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्मेट जो होता है उस पर लिखा जा सकता है इसको। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसको क्या लिखा जाएगा यहाँ से यहाँ तक वाले को। इसको मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर इसके लिए देखेंगे कि इसको आप क्या बोलोगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, वो तो उधर जीरो है ही, तो उसके लिए जीरो लिख दिया हमने। फिर इसके लिए क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई, ये इसका हो गया। फिर इसके लिए देखेंगे क्या होगा, तो इसके लिए साइन एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये सॉरी कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर जीरो, और नीचे में तो वही है जीरो जीरो और यहां पे वन सेम। तो ये जो फॉर्मेट है ये पूरा का पूरा फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आएगा। ये जो आएगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आएगा, आप देख पा रहे होंगे पूरा। तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि एक्स प्लस वाई जहां जहां एक्स था वहां पे एक्स प्लस वाई आ गया, यहां भी एक्स प्लस वाई आ गया, तो ये फंक्शन ही पूरा एक्स प्लस वाई के फॉर्म में चेंज हो गया मैट्रिक्स का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, आपको मैंने पहले भी बताया जहां भी आपको देखना हो आप रोको पॉज करो और आराम से देख सकते हो। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 जो है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि एक क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था कि ए बी इज इक्वल, ए बी और बी ए वो इक्वल है या नहीं, इसको वेरीफाई करना है, और मैंने किया भी था। तो वहां पे वेरीफाई करने पे हमें नहीं मिला था, ए बी बिल्कुल अलग था और बी ए जो प्रोडक्ट था वो बिल्कुल अलग था। लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास एक एग्जाम्पल की तरह से सेट करके इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है कि ए और बी ना देके, देखो आप 5 6 माइनस 1 7 और यहाँ पे भी 5 6 1 7 है, अगर यहाँ पे इसको ए माने तो दूसरी जगह यहाँ पे ए ये है, इसको बी माने तो बी ये है, मतलब ए प्रोडक्ट जो बी है वो बी प्रोडक्ट ए के इक्वल नहीं आ रहा है। इसी को हमें यहाँ पे दिखाना होगा एज ए एग्जाम्पल जो कि सेट करके इन्होंने दिया है, कह रहे कि आप प्रूफ करके दिखा दो, तो ठीक है सो करते हैं। और प्रोडक्ट रूल है तो प्रोडक्ट तो करना ही पड़ेगा, तो देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कर दें। यहाँ पे ये रो ये कॉलम जैसे कि मैंने बताया ही था, तो 5 × 2 प्लस माइनस 1 × 3, ठीक है, और उसके बाद 5 × 1 प्लस माइनस 1 × 4 हो गया। फिर सेकेंड वाले रो से लेंगे 6 × 2 प्लस 7 × 3, फिर 6 × 1 प्लस और ये हो जाएगा 7 × 4, ठीक है ना, ये आएगा 7 × 4। चेक भी करना है आपको मेरे साथ, तो नोट भी करते जाना है आपको, चेक भी करते जाना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मिस्टेक्स हो सकते हैं, इस तरह की चीजों में मिस्टेक्स आती है। तो 10 − 3 यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्यों 5 × 2 = 10 − 3 = 7 हो गया, और ये हो गया 5 − 4 तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 21, ये हो गया 33 और ये हो गया 6 और 28 तो 34, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, ये LHS की वैल्यू है, ठीक है। वहीं पे RHS की वैल्यू को चेक करते हैं यहां पे हम लोग, तो यहां पे मैं लिख देता हूं RHS,
सेपरेट कर दिया इसको, और यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 5 प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, 2 इंटू 5 1 इंटू 6 और फिर 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 7 1 इंटू 7 ठीक है, देखते जाओगे आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है नहीं, मैं लास्ट तक उधर दिखा रहा हूं आपको, क्लियर है? तो ये आ गया, उसके साथ साथ दूसरा वाला करेंगे जो कि 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 फिर 3 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 7 तो जो ये आ रहा है इसके वैल्यू देख लेंगे, ये हो गया 10 प्लस 6 16 माइनस 2 प्लस 7 तो 5 15 प्लस 24 39 ठीक है, और वो माइनस 3 प्लस 28 तो 25 तो ये किसी भी हाल में देखा जाए तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह से मैंने बताया भी कि अगर ए बी इसका प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पे वही चीज हमें देखने को भी मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेकंड पार्ट है इसमें भी हमें सेम फंक्शन करना है, उसी तरह से आपको सॉल्व भी करना है, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, स्टेप को थोड़ा सा स्मूथली लेके चलना पड़ेगा ताकि कैलकुलेशन में किसी भी तरह की मिस्टेक ना हो जाए। तो करते हैं, यह मैं हमेशा बताता जा रहा हूँ क्योंकि मैट्रिक्स में कैलकुलेशन मिस्टेक बस इतना इजी होने के बाद भी हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है, मैंने आपको करके दिखाया भी था वो मिस्टेक। तो आइए देखते हैं, रो और कॉलम है ना, तो पहले इसके प्रोडक्ट को करेंगे उसके बाद उस तरफ वाले को भी देखेंगे। पहले LHS को हम लोग देख लेते हैं, पहले LHS में देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 ठीक है, उसके बाद इसके साथ दूसरा फर्स्ट रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 फिर इसके साथ तीसरा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 मैं तो कर ही रहा हूं, आप भी चेक करो कि अगर लगता है आपको कि कहीं पे छूट गया हो, कुछ गलतियां रह गई हो तो आप भी चेक करो। उसके बाद दूसरा स्टेप्स में इसको लेते हैं 0 इंटू माइनस 1 तो 0 इंटू माइनस 1 तो 0 ही होगा, और फिर 1 इंटू 0 0 ही होगा, 0 इंटू 2 0 ही होगा, तो यहां पे मैं 0 प्लस 0 प्लस 0 लिख दूं डायरेक्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट स्टेप में 0 इंटू 1 ये 0 होगा प्लस 1 इंटू माइनस 1 ये मैं लिख देता हूं, फिर 0 इंटू 3 ये भी 0 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 4 0 ऐसा आ रहा है। आप देखते जाना, बताना भी आराम से करेंगे। फिर लास्ट वाले में 1 इंटू माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 प्लस
1 into 0 plus 0. फिर दूसरे के लिए 1 into 1, 1 into 1 plus 1 into minus 1 plus इसके साथ ये 0. फिर तीसरे के लिए 1 into 0, 0 plus 1 into 1, 1 plus 0 into 4, 0. एक यहां पे रह गया 1 into 1, 1 plus देख लेंगे. ठीक है, तो ये और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे. अब सॉल्व करने पे मुझे यहां पे इसकी वैल्यू जो आ रही है, ये पूरे ऊपर वाले की ये 5 आ रही है, इसकी वैल्यू आप चेक करोगे, इसकी वैल्यू 8 आ रही है, इसकी वैल्यू 12 टू 14 आ रही है, ये 0 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, ये 1 है ही, ये -1 आ रहा है, ये आपका कितना था 0, हां ये -1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है और ये 1 आ रहा है. तो ये रिजल्ट आ रहा है आपका. इस रिजल्ट को सॉर्ट में मैं लिख देता हूं साइड में, जिससे कि मैं जब दूसरे पार्ट को करूंगा तो मैच करके देखूंगा कि मैं सेम रिजल्ट पे हूं या उसके डिफरेंट रिजल्ट है. ठीक है, तो कहीं दूर नहीं, पास में ही यहां पे सॉर्ट में मैं लिखना चाहूंगा. यहां पे मैं लिख रहा हूं 50 -1 8 -1 0 14 1 14 1 1. रिजल्ट को मैंने इसी के साथ लगा के लिख दिया है ताकि मैं दूसरा जब काम करूंगा तो उसमें कंपेयर करने में मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो. अब बात इसकी आएगी, इसको स्टार्ट करता हूं मैं आरएचएस को. तो ये हो जाएगा -1 1 -1 into 1. ठीक है, फिर 1 into 0 0, फिर 0 into 1 0, ये 0, फिर उसके बाद -1 into 2, तो -1 into 2, फिर 1 into 1 plus 1 into 1 plus 0 into, ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर -1 into 3 -1 into 3, 1 into 0 0, और 0 into 0 0. ठीक है, इस तरह से मैं दिखा रहा हूं. दूसरा वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा 0 into 1, यहां लिख देता हूं मैं 0 into 1 plus -1 into 0, तो ये तो 0 ही आएगा, प्लस 1 into 1, ये आ गया. ठीक है, फिर 0 into 2 0 plus -1 into 1 -1 into 1 plus 1 into 1, फिर 0 into 3 0 plus -1 into 0 0 1 into 0 0. नेक्स्ट में 2 into 1 plus 3 into 0 3 into 0 plus 4 into 0 4 into 1. ठीक है, 4 into 1. उसके बाद 2 into 2 plus 3 into 1 plus 4 into 1, उसके बाद 2 into 3
प्लस 3 × 0 = 0, 4 × 0 = 0। अब इसकी भी वैल्यू बात कर लें कितनी आ रही है हमारे पास, तो इसका आएगा -1। यहां पे मैं लिख देता हूं -1 इसका आ रहा है, इसका आ जाएगा -2 + 1, तो ये भी -1 आ रहा है, और -3 आ रहा है इसका, यहां पे ये आ जाएगा -3। फिर ये तो 1 आ रहा है, 1, ये 0 आएगा, ये भी 0, 1 0 0, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 4 और 2 6, और ये आ जाएगा 11 6 11, और ये भी आ जाएगा 6, ये आ रहा है। तो इस तरह से ये दोनों जो वैल्यू है दोनों इक्वल नहीं है। फिर से वही बात हो गई, ए प्रोडक्ट ऑफ बी एंड बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिसेस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने एक इक्वेशन बना दिया है, इक्वेशन लिखा है a² - 5a + 6i, इस तरह का एक एक्सप्रेशन है, और इसकी रिजल्ट हमें बतानी है, जबकि हमारे पास a की जो वैल्यू है वो गिवन है। और ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो इसको भी ध्यान से करेंगे, लेकिन बहुत ही आसान है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको a² कहने का मतलब a into a निकालना है, तो a का प्रोडक्ट निकालना है। तो पहली बार आप इसको लिख दो, ठीक है, और दोबारा फिर से आप इंटू कर दो इसको दूसरे को, सेम चीज है चुकी, तो फिर से उसी को लिखना होगा आपको, लिख दिया मैंने। अब क्या है कि अब इसके प्रोडक्ट को करना है आपको, जैसे करते हैं हमेशा वैसे ही करेंगे। तो लीजिए, थोड़ा पीछे से मैं स्टार्ट करता हूं, 2 × 2 + 0 × 2 + 1 × 1, ठीक है, फिर 2 × 0 + 0 × 1 + 1 × -1, फिर 2 × 1 + 0 × 3 + 1 × 0। तो मैं इसलिए स्टेप बोलता जा रहा हूं ताकि मेरे से भी गलती ना हो। और फिर नेक्स्ट में 2 × 2 + 1 × 2 + 3 × 1, फिर 2 × 0 + 1 × 1 + 3 × -1, फिर 2 × 1 + 1 × 3 + 3 × 0। लास्ट वाले में 1 × 2 + -1 × 2 + 0 × 1, फिर 1 × 0 + -1 × 1 + 0 × -1, फिर इसके लिए लास्ट वाले के लिए 1 × 1 + -1 × 3 + 0 × 0, ये हो गया अपना काम। और इसके लिए जो रिजल्ट आ रहा है कैलकुलेट करके आप देखोगे तो 5 इसका 5, देन इसके लिए -1 5 -1 और 2
वहां पे 2, इसके लिए आ जाएगा 9, 9, देन इसके लिए देखेंगे -3 प्लस 1 तो -2, और फिर इसके लिए देखेंगे तो ये 5 आ जाएगा 5। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है, अब ये 0, फिर इसको देखेंगे तो -1, और फिर ये लास्ट वाला -2, तो इस तरह से ये रिजल्ट दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर मुझे मिल गया, ये है आपका ए स्क्वायर प्लस 5A, प्लस 5A चाहिए तो प्लस कर दो, और 5 से मैं मल्टीप्लाई करता हुआ चलता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो सॉरी, यहाँ पे -5A है तो माइनस डाल दिया मैंने, 5A तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये 10 हो गया, सारा 10 हो जाएगा नीचे तक, ये भी 10 और नीचे ये 5, फिर ये 0, ये 5, ये माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5, ये फिर 5 15 5 15 और 0 प्लस 6i। अब देखेंगे यहां पे i क्या है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी तक इसके बारे में मैंने बताया नहीं, डायगोनली मैं 1 लिख रहा हूं, उसको समझ ले रहा हूं, ये 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1, अभी मैंने इसको डायगोनली लिख दिया है, और ये रिप्रेजेंटेशन आई की है, तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 का तो यहाँ पे मैं 6 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ये 6, ये 6 और ये 6, बस इतना सा ही 6 आएगा। तो अब ओवरऑल हमें सॉल्व करना है इसको, जो कि आराम से हो सकता है, आप कर भी सकते हो। तो देखो 10 प्लस 6 16, और यहाँ पे 5 माइनस होगा तो 10, यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 10, ठीक है, और प्लस 6, 5 माइनस 10 प्लस 6 ये आएगा, तो 5 माइनस 10 प्लस 6 पहले वाले के लिए आ गया, दूसरे वाले के लिए आ जाएगा -1, ठीक है, -1 माइनस 0 प्लस 0, तो -1 ही लिख दिया जाए तो काफी है, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा इसको, प्लस 0 माइनस 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद 2 माइनस 5 0, तो 2 माइनस 5 ही लिख दूं तो काफी है, 2 माइनस 5। नेक्स्ट में 9 माइनस 10 प्लस 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 -10 प्लस 6 -2 -10 प्लस 6 लिख दिया, 5 -10 बस 5, इसका था इससे पहले वाला था जो था आपका वो था 9, ठीक है, 9 -10 0, ठीक है, -2 -5, ठीक है, -2 -5 होगा यहाँ पे, -2 -5 प्लस 6, और उसके बाद 5 -15 देन 0 है, -5 सिर्फ -5 लिख देता हूँ मैं, चल जाएगा, -5 -1 प्लस 5 -1 प्लस 5 देन -2 -0 -2 प्लस 6 लिख दूं तो भी काम हो जाएगा, -2 प्लस 6 ये आ गया, ठीक है, और
जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ जाएगा, ये 1 -1 -3, इसका 1 -1 -3, ये भी -1, ये भी -1, और ये हो जाएगा -10, -5, +4, तो सिर्फ 4 लिख देता हूँ, और 4 ये आ रहा है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। तो बस इसी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, थोड़ा लेंदी हो जाता है लेकिन कैलकुलेशन को ध्यान में रख के किया जा सकता है। अगर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा।